ब्रह्म विचार सार परमा जगत व्यापनी वीणा पुस्तक धारिणी मभेदा जान्यंत कारापह हस्ते स्वाटिक मालिकांच मिरतिमी ज्ञानानंद स्वरूप सर्व शक्तिमान एकेवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादि देव हैं उसको बार बार नमस्कार 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 समान पावन पाप राम गुण राम राम जप राम राम परम सत्य पदम ज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्व शक्तिमान राम परम है राम महान अमृत वाणी नाम उच्चार राम राम सबसे केदार अमृत वाणी अमृत सेना राम राम मंगल धाम अमृत रूप राम गुण गान अमृत कथन राम ज्ञान अमृत वचन राम की चर्चा सुध सम गीत राम की अर्चा अमृत बनन राम का जाप राम राम प्रभु राम प्रताप अमृत चिंतन राम कथा राम शब्द में अमृत रस नाम ही कहावे राम राम जब नाम सुहावे अमृत करण में नाम कमाए राम राम परम सुखदाए अमृत राम नाम जो जाए अमृत पद सोनी जन पाव राम नाम अमृत रस सार भेद परम आनंद पा राम राम जप ही मना अमृत वाणी राम नाम मेरा को सदा विराजत राम नाम मुझ मंगलकारी जगन मन सब पाटकारी राम नाम सब सफल महा स्वस्थ शांत सिद्ध कर कल्याण राम राम से राम विचार बाले उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम नाम जो जन मन गाओ उसमें सुख सभी बस जाओ जहाँ हो राम नाम धन ना बाकी महा से विषम विसार राम नाम मन तप्त बुझावे सुदर शीश शांत रे राम नाम जपिए कर भार सुविधा सुविधि बने बनाओ राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल हो विषम विकट संकट हरण कारक सब मन को जपना राम राम है सुख राम राम है नाशक दुष सिमरे राम राम ही जो जन उसका होवे सुख तन तन जिसमें राम भूलो भले मां बाप को मत तुमने परिवार ने एक उदाहरण दिया है मिलकर के कि कैसे बुजुर्गों की सेवा की जाती है कैसे बुजुर्गों से प्यार दिया जाता है बड़ा ही सुंदर परिवार है। समय को देखते हुए हमारे बीच में महानुभाव हैं वो भी परिवार की ओर से आप सबका धन्यवाद और कुछ श्रद्धा श्रद्धांजलियां हमारे पास आई हैं तो मैं परम महानुभाव से विनती करूंगा तो श्रद्धांजलि पढ़े और 5 मिनट का जो समय है आए हैं तो देवराज गर्ग जी के बारे में जैसे कि सभी जानते हैं कि बहुत ही मृदुभाषी बहुत ही धर्म में विश्वास रखने वाले और गरीबों की दीन दुखियों की मदद करने वाले और व्यापार में भी
कभी भी उन्होंने कहीं मैंने कभी नहीं देखा कभी किसी से उनका झगड़ा हुआ हो या किसी से कोई किसी बात पे भी कोई अनबन हो। तो ऐसी पुण्य आत्मा आर्य शोक प्रस्ताव आया है जिसमें दर्शन सिंगला जी की तरफ से आया है। अग्रवाल परिवार शिवनारायण गुप्ता जी प्रवीण बांसल जी हरीश गोयल जी और रजनीश गोयल जी की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है। स्वामी अत्री जी शांतिवन गौशाला संचालक शमशान भूमि ट्रस्ट नजदीक श्याम नगर बस स्टैंड उनकी तरफ से भी शोक प्रस्ताव आया है। श्री रघुनाथ सेवादल अटल नगर की तरफ से भी शोक प्रस्ताव आया है। श्री शिव शक्ति मंदिर रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट न्यू किचली नगर उनकी तरफ से उनके चेयरमैन चमनलाल चैटर्जी जी की तरफ से भी शोक प्रस्ताव आया है। श्री नैना देवी सेवा सोसाइटी रजिस्टर्ड जिनकी तरफ योगराज गोयल चेयरमैन बलवीर शर्मा संचालक राजकुमार गोयल जनरल सेक्रेटरी एवं समस्त सदस्यगण उनकी तरफ से भी शोक प्रस्ताव आया है। ग्राम पंचायत कृष्णा नगर हमड़ा रोड रवि गौशाला कंत कैंड गौशाला कैंड गीता ज्योति मंदिर गौशाला राम बापू आसाराम बापू शिव मंदिर शिमलापुर। तो इनका कोई भी पदाधिकारी यहाँ हो कृपया यहाँ से वो अपना दान राशि लेके जा सकता है। तो अभी तो आज हम इस दुख की घड़ी में श्री लाला देवराज जी गरन जो अपनी संसार की यात्रा पूरी करके भगवान के चरणों में लीन हुए हैं और ऐसा सुंदर जीवन उनका मैं उनके साथ में 30-32 साल से जुड़ा हुआ हूं। कभी भी मैंने उनके जैसा कोई भी मतलब जो इतनी सुंदरता के साथ वो हिसाब किताब मंदिर का उन्होंने जो संभाल के रखा है हर महीने हिसाब करना एक पैसे का भी उन्होंने कभी इधर उधर वो नहीं होना कहता पाला राम जी मेरा मेरी जेब से कुछ चला जाए लेकिन मंदिर का कुछ हम मेरे पास ना आए और इतनी लगन रहती थी।
जोर जला के ओम करकल कपाला करकल कपाला आप इधर आ सामने इस तरफ पंडित जी आपके पूरी तरफ चढ़ाएंगे चक्रे एक मिनट रुकिए हमारे ना रिकॉर्डिंग कर ले पूजा के
मन बसयो तो भोग रचना निद्रा समाधिस्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत कर्म करोमि तदखिलं सम्भूतवाराधना कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हमरो ऐसी करनी तर चले कि हम हंसे जगरो आया है सो जाएगा राजा रंस फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बांधे जंजीर दिन ऐसा आएगा कि मैं एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रोऊंगी उनको इस प्रार्थना सभा में बैठे हुए सभी महानुभाव एवं मेरी दिव्य माता शक्तियों कि हम सभी के आदरणीय पूजनीय प्रिय श्री देवराज जी गर्ग जो विगत दिन अपनी इस सांसारिक यात्रा को पूर्ण करके उस परम पिता परमात्मा के श्री धाम को प्राप्त हो गई उनकी आत्मिक शांति के निमित्त पूरे परिवार ने बच्चों ने बेटियों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ घर में भगवान श्री गरुड़ प्राण जी का पाठ रखा आज पाठ के भोग के निमित्त एवं हम और आप लोग उस परमात्मा से प्रार्थना कर सके उनकी सदगति के निमित्त इस कामना से इस स्थान पर उपस्थित हुई है पूरी परिवार ने बेटियों ने बहुओं ने नाती पोते दोती सब ने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से भगवान श्री गरुड़ प्राण जी की कथा का श्रवण किया तो आओ सबसे पहले कुछ प्रेम से कुछ देर के लिए सभी लोग निष्ठान अमृत वाणी का पाठ करें फिर जीवन क्या है मृत्यु क्या है संसार क्या है इस पर कुछ चर्चा करें उससे पहले आओ सभी लोगों ने प्रेम से मेरे साथ अमृत वाणी का पाठ करें श्री रामाय नमः सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः नत सिर बारंबार तुझे देव परमात्मन मंगल सिद्ध सुभकार अंजलि पर मस्तक की विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे पूरे जग के नाथ दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने के तुझको हो प्रणाम मम सत सत कोटि अनेक पाप हरण मंगल
चरण शरण का ध्यान ढाल करो प्रणाम में तुझको शक्ति निधान भक्ति भाव सुख भावना मन में भर भर पूर श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर जो दिल में जगदीश है तेजो में अपार परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम से राम पुलकित हो मेरा तुझे होवे वह परनाम श्री राम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकेवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव हैं उसको बार बार नमस्कार 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 तब सदा समान पावन पाप राम गुण ग्राम राम राम जप राम ही राम परम सत्य पदम में ज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्व शक्तिमान राम परम है राम महान अमृत वाणी नाम उच्चार राम राम सबसे केदार अमृत वाणी अमृत से नाम राम राम मद मंगल धाम अमृत रूप राम गुण गान अमृत कथन राम ज्ञान अमृत वचन राम की चर्चा सुध सम गीत राम के अर्चा अमृत बनन राम का जाप राम राम प्रभु राम प्रताप अमृत चिंतन राम कथा राम शब्द में अमृत रस नाम ही कहावे राम राम जब नाम सुहावे अमृत कर्ण में नाम कमाए राम राम परम सुखदाए अमृत राम नाम जो जाए अमृत पद सोनी जन पावे राम नाम अमृत रस सार वेद परम आनंद पा राम राम जप ही मना अमृत वाणी मान राम नाम मेरा को सदा मेरा जत राम नाम मुझ मंगलकारी विघ्न हर सब पाचकारी राम नाम सब सफल महा स्वस्थ शांत सिद्ध कर कल्याण राम राम से राम विचार बाले उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम नाम जो जन मन गाओ उसमें सुख सभी बस जाओ जहाँ हो राम नाम धन नाम बागे महा से विषम विषाद राम नाम मन तप तप जावे सुंदर सिंह शांत रे राम नाम जपिए कर भाव सुविधा सुविधि बने बनाओ राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मोल विषम विकट संकट हरण कारक सब मन मोल जपना राम राम है सुख राम राम है नाशक दुष्ट सिमरे राम राम ही जोन उसका होवे सुख दर्शन जिसमें राम नाम सब जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे ब्रह्म भय सारे जिसमें बस जय राम सुना होवे वह जन पूरण का चित में राम राम जो सिमरे निश्चय मुख सागर से तरे राम सिमरन भोग सहाय राम सिमरन है सुखदाय राम सिमरन सबसे ऊंचा राम सत्य सब ज्ञान समूह राम राम ही सिमरन राम राम श्री राम राम श्री राम भज राम राम भज राम माता पिता बाधव सुखदारा धन धन साधन सकापी
संगे सकाई सने सबित समांगे युग युग काहे विराम सहेला काम भक्त नहीं रहे अकेला फिर जन मन विपद हो निबन निसा तब सबो जो जप राम राम की जगे संकट सर्व सहज सबगे बाधा बड़ी समझ पावे मेरे विरोध विघ्न बढ़ जावे राम नाम जपी सुख दाता सच्चा साथ जो बिच बल पावा मन जब धैर्य को नहीं पावे बुझे कचित को चूर बनावे राम नाम जप चिंता चूर चिंता मणि चित चिंतन पूर शोक सगर भव मना आता अति दुख में मन घबराता भजी राम राम हो पार जन का करता भेदा पार घड़ी घड़ी कठिन करता कष्ट कठोर वेश करार राम राम जपी प्रतिपार सुख दाता प्रभु दीन दयाल भजना घोर कठिन सवेर दुर्जन दुखड़े जपी राम राम विनि दे रखिए राम राम सब दे राम नाम हो सदा समायक राम नाम धर्म सुखदायक राम राम प्रभु राम की शरण शांति आसरे पूजे राम नाम ये बल पाते साथ नाम ले जाए नासे जन्म मरण का खटका रहे राम भक्त नहीं अड़का राम राम श्री राम है तीन लोक का नाम परम पुरुष पावन प्रभु सदा के संगे साथ जग सब ज्ञान योगे ज्ञान मन कोटि वास यति बैरा राम नाम बिन नीरस को राम राम जप धरिए लो राम जाप सब संयम साधन राम जाप है कर्म बराधन राम जाप है परम अज्ञान सिमरो राम नाम सत नाम राम जाप कहि मोचे करण बाधा विघ्न को दूर करि राम राम महामंत्र जपना हे सुनत नेम तप तपना राम जाप है सरल समान हर सब आदि गाते उपाय सिद्धि सिद्धि और नव निधान दाता राम है सब सुख दान राम राम चिंतन सुविचार राम राम जप निश्चय दान राम राम से राम ज्ञाना है परम पद अमृत पाना राम राम से राम हरि सहज परम है यो राम राम श्री राम जप दाता अमृत हो राम चिता मणि रत्न मोर राम नाम मणि भारत मोर अतुल प्रभाव की बड़का राम राम कर तारक जा पीकर शर्मा सत्य को राम राम जप शुभ संतो राम राम से राम राम अंतर तंत्र वेद राम पर बीजा कर पद पद मत का राम राम जप दोष विनाश मुनि ने गोद सुषमण को राम मंद अमृत रस बोल उपजे नाम सहज बहुमान भज भजान में तर हो सान राम राम पद सत्य जगावे राम राम जब रमावे राम राम जप जगे लभन चेतन भाव जगे सब सन ग्रंथि अवेद्या टोटे भारी राम लीला के जग बुलवारे पतित पावन परम पार राम राम जप यार सफल सिद्धि कर साधना राम राम धन्यवाद तीन लोक का समझे सार राम नाम सब ही सुख का राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाए जित सब साधु संत सयान राम नाम निस तीर्थ प्रमाण तापस योगी सिद्ध सुवन जब दे राम राम सब सुख कर भावन भक्ति परे भजने भजते राम नाम रमणे भजते भक्त भाव भरपूर प्रभु भय वेद भाव से दूर पूरण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाठ हे मान करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनारत दान इस
इसमें सूरत सूर रमाते राम राम सत सात समाते देव देव गण देव विधाता राम राम भजते गणता राम राम सगुणी जन गाते स्वर संगीत से राम रिनाते कीर्तन कज करते विद्वान काल सरस सत सादर मान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ज्ञान राम के पास अभी
जैसे जल में होती नदी, राम के पावर पूर्ण पाओ, परम प्रभु को भीतर लाओ, भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम के पाटन धाम, राम के पाव सजन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे, कृपा बजाने राम के देवी, गाज व्यास चल हरि लेनी, कृपा प्रसाद सदा सुख साथ, राम राम देव हित विलास, प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, रक्ष धाम में आप जाता, देता अमल जल निर्वास, राम राम धुन गूंज से पवे जाते वास, राम राम धुन ज्ञान से समेत का कल्याण, देव पार पर जन्म कब होगा, भक्त में राज से रोगा, पर हो मेरा जल दे, चरण पड़े गतियों में, अपना आप विरद विचार, जीते भगवत नाम प्यार, राम नाम ने भी पारे, ज्योति है प्यारे, अपनी कुटिल कर गए, कर गए राम नाम ले, कर गए कर्म कर्म में धन लगी, राम राम से राज प्रजा, होवे अदुर्य मन पापा, राम नाम मन मुख में बोले, पास सपने में बिन बिसरे राम, राम राम से राम राम राम, राम नाम के बैल से सत जाते सब राम, देव देव देव
शुभ मंगल संचार अभ्युदय सत धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सत धर्म का राम नाम विस्तार सिया वरे राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। समुपस्थित इस प्रार्थना सभा में आए हुए सभी महानुभाव एवं मेरे मातृशक्तियों, आज हम उन पुण्य आत्मा के निमित्त यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यद्यपि दुख का विषय है, लेकिन भगवान ने कहा है कि जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारार्थे न तुम शोचितुम् अर्हसि। कोई अमर नहीं हुआ, राम गयो रावण गयो जाको बहु संसार, कहे नानक फिर कछु नहीं सपने उनको संसार। लेकिन एक बात जो विशेष ध्यान देने योग्य है वो ये है कि सब आए हैं और सबको चले जाना है, तब तो की बात क्या है। तो भगवान कहते हैं कि दुर्लभो मानुषो देह देह नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभे मन्ने वैकुंठ प्रियदर्शन। पर मानो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको ट्रांसलेट कर लिया, कह दिया रामायण में कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सर ग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक संवारा। कह दिया कि बोली जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब इस जीव आत्मा को ये मनुष्य चोला बनाता है। इसलिए बोले बार बार का जो आवागमन का जो चक्कर है इससे जीव मुक्त होता है। करते हो तो भगवान से ये भाव होना चाहिए कि आपका बड़ा शुक्रिया है, आपने मनुष्य तन दिया है, इससे सत्कर्म कराते रहे। और आज हम पूज्य गौजी को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये भाव बड़ा ही सुंदर कवि ने कहा है कि जीव आत्मा परमात्मा के चरणों में किस प्रकार से विनती करती है। जो
तुम हो स्वामी तो हम ही सेवक, जो तुम हो पालक तो हम ने बालक। हो जो तुम हो स्वामी तो हम ही सेवक, हो यारी दया करो हे दयाल भगत, दया करो हे दयाल भगत, शरण में दयाल भगवन। और बड़ी सुंदर बात क्या कहती अंत में, प्रभु ने जो हम को है तुम्हारे भले हैं, जो हम तुम्हें तुम्हारे तुम्हारे हो कर के भी तो है दयालु भगवन, दया करो है दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम। कि उस परमात्मा की शरणागति में जीव हो जाए तो जीव मृत्यु की ओर नहीं बल्कि मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। शास्त्र पुराणों ने कहा है कि चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीव दयोवने, चला चल मिदम सर्वम सजीवी। बड़ी सुंदर बात कह दी, चलम चित्तम चंचला ही मन कृष्ण। भगवान ने गीता में भी कहा, बोले जो मन है ना ये हमेशा चलता ही रहता है, एक जगह टिकता ही नहीं है। चलम चित्तम चलम चित्तम, जिस धन संपत्ति को हम जोड़ करके ये कहते हैं कि ये हमारी है, आज हमारी है, लेकिन कल उस पर किसी और का अधिकार था, आज हम कहते हैं हमारी है, लेकिन सच ये है कि कल वो किसी और। जिन अच्छे कार्यों को करते करते आपने जीवन व्यतीत कर दिया, उन सब शुभ कार्यों के कारण, उन अच्छे कार्यों के द्वारा आप नाम के रूप में इस धरा में अमर हो जाते हैं। के प्रति हो, भक्त के प्रति हो, संत महात्मा ब्राह्मण के प्रति हो, मंदिर गुरुद्वारे आदि के प्रति हो, अपार श्रद्धा में इस चोले को छोड़ने से पहले कुछ विगत महीनों पहले ही भागवत की बड़ी मंगलमयी कथा घर में कराई और कुछ न कुछ सत्कर्म इन परिवारों में लगाई रहता है। बड़ा ही विस्तृत परिवार वाली का है। कहते हैं ना, अगर किसी बगीचे में एक सुंदर फूल हो, खुशबू वाला फूल हो, और उस बगीचे में कोई कांटेदार वृक्ष भी हो, पौधे भी हो, फूल भी हो, लेकिन वो फूल अपनी महकता से सारे बगीचे को महका देता है, वैसे ही इस गरीब परिवार के जो स्तंभ थे, जो वर्द हस्त थे, मौजी देवराज ब्राह्मण सुंदर परिवार, कहां तक मैं नाम लूं, इस परिवार की जो शाखा है, जो बेल है, बहुत दूर तक फैली हुई है। विशेष करके आज इस घोर कलिकाल में जब जीव नाना प्रकार के भय से भयक्रांत है, जब जीव की अवस्था आयु कम हो रही है, तब भी उन्होंने स्वस्थता के साथ अपना जीवन बहुत लंबा धर्म वृत्त करते इस जीवन को जिया है। भोजी के बड़े पुत्र श्रीमान श्री विजय कुमार जी गर्ग, उनके धर्म पत्नी श्रीमती परवीन जी गर्ग, धर्म पत्नी श्रीमती अंजना जी गर्ग, तीसरे पुत्र श्रीमान श्री ओम प्रकाश गर्ग, उनके धर्म पत्नी श्रीमती मोनिका जी गर्ग, उनकी बेटी श्रीमती पुष्पा जी गोयल, उनके पति श्रीमान श्री रुद्रराम जी गर्ग गोयल, दूसरी बिटिया श्रीमती उषा जी सिंगला, उनके पति श्रीमान श्री पुरुषोत्तम जी सिंगला, तीसरी बेटी श्रीमती सुनीता जी बांसल, उनके पति श्रीमान श्री विनोद जी बांसल, और पुत्र श्रीमान श्री हर्ष जी,
धर्म पत्नी उनकी श्रीमती रजनी जी, दूसरे पुत्र विवेक जी, उनके धर्म पत्नी माधवी गर्ग जी और पुत्री गोपाल जी भी हैं, पुत्री हैं दीप्ति जी, उनकी पति उनकी पति श्रीमान से सनी जी गुप्ता, दूसरी प्रीति जी उनके पति श्रीमान से राहुल जी वात्सल और प्रिया श्रुति अनामिका और बड़े पोते और पोती भी हैं मौजूद श्रीमान से खुशाल गौरी और नाइसा, यानी कि परपोतों को देखते देखते उनको खिलाते खिलाते सत शिक्षा देते देते उन्होंने इस देह का त्याग किया है। और भगवान गरुड़ जी ने भी अंतिम श्लोक में यही कहते हैं क्या कि पुम नाम नरकम काल विग्रह पुत्र हमारे पुत्र किसे कहा जाता है जो जीते जी अपने माता पिता की सेवा करे और उनके चले जाने के बाद जिस धर्म में जिन कर्मों को लिखा है श्रद्धा और प्रेम से उन कर्मों को करता है उसी को पुत्र कहा जाता है। भौजी के पुत्र ही नहीं, बहु बेटे ही नहीं, पुत्र ही नहीं, पर पोते तक भी कथा में बड़ी श्रद्धा और प्रेम से उन्होंने सारा ज्ञान किया। बस दुख है तो आज इस बात का कि गरीब परिवार उस पिता के पद हस्त से वंचित हो गया है। और कहते हैं माता और पिता का प्रेम दो ही इस संसार में ऐसे स्नेह हैं कि यदि वो सिर से चले जाए तो दुनिया की सारी ताकत लगा ले वो प्रेम वो स्नेह दोबारा लौट करके नहीं आता है। वो पिता के बर्दाश्त से सारे परिवार वंचित हो गया है। किसी कवि ने माता पिता के बारे में बड़ा ही सुंदर भाव कहा, कितना महान परिवार है ये कहने की आवश्यकता नहीं, ये सब आप सबकी उपस्थिति भी बता रही है। समय को देखते हुए छोटा सा भाव कि पिता माता क्या होते हैं, कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है। कोई पुत्र 100 वर्ष तक जीते जीते भी माता पिता की सेवा करता रहे तब भी उस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। तो कवि ने बड़ा सुंदर भाव कहा, हर बात को तुम भूलो भले माँ बाप को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो भले माँ बाप को मत भूलना, उपकार के लाखों हैं इस बात
सीने से पर तुझसे लगाया है इन प्यार लुटाने वालों का इन प्यार लुटाने वालों का तुम प्रेम प्यार मत भूलना हर बात को तुम भूलो भले माँ बाप को मत भूलना उपकार इनके इस बात को मत भूलना और बड़ी सुंदर बात अंत में कह दी सच भी कहते हैं शास्त्र पुराण वेद सब ने कहा है कि माता पिता का नाम माता पिता की सेवा माता पिता की भक्ति के लिए नेति नेति शब्द कहा है बोले गुरु धर्म नहीं करते हो तो कोई बात नहीं कहीं तीर्थ यात्रा पर नहीं जाना हो तो कोई बात नहीं लेकिन घर में माता पिता की सेवा अवश्य करते रहना और यदि घर में माता पिता दुखी हैं आप हजार तीर्थ कर लो हजार यज्ञ कर लो वो सब बेकार इसीलिए कवि ने कहा चाहे लाख कमाई धन दौलत कि कैसे बुजुर्गों की सेवा की जाती है कैसे बुजुर्गों से प्यार किया जाता है बड़ा ही सुंदर परिवार है समय को देखते हुए हमारे बीच में महानुभाव हैं वो भी परिवार की ओर से आप सबका धन्यवाद और कुछ श्रद्धा श्रद्धांजलियां हमारे पास आई हैं तो मैं परम महानुभाव से विनती करूंगा तो श्रद्धांजलि पढ़े और 5 मिनट का जो समय है उस लोग यहाँ आए हैं तो देवराज गर्ग जी के बारे में जैसे कि सभी जानते हैं कि बहुत ही मृदुभाषी बहुत ही धर्म में विश्वास रखने वाले और गरीबों की दीन दुखियों की मदद करने वाले और व्यापार में भी कभी भी उन्होंने कहीं मैंने कभी नहीं देखा कभी किसी से उनका झगड़ा हुआ हो या किसी से कोई किसी बात पे भी कोई अनबन हो तो ऐसी पुण्य आत्मा आज हमारे बीच में नहीं है और उनकी कमी परिवार को कभी भी पूरी नहीं हो सकती और हम लोगों को भी सबको जो उनके जाने से क्षति हुई है वो कभी पूरी नहीं हो सकती मैं तो पिछले 30-40 साल से उनके संपर्क में था पब्लिक मार्केट में बिल्कुल हमारे साथ ही उनका व्यापारिक स्थान था तो जब भी उनसे मिलना तो उनसे हमेशा आशीर्वाद ही हमने लेना हमेशा हमें कई बातों में हमें उन्होंने प्रेरणा देनी हमें हमारा मार्गदर्शन करना और बहुत सी बातें ऐसी उनसे हमने सीखी हैं जिंदगी में जो कि हमारे आज काम आ रही है उनका ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रेम था हर साल वृंदावन जाना जैसे कि उनकी भाई साहब कृष्णलाल जी ने अभी थोड़ी देर पहले मेरे को बताया कि हमारे परिवार में उनकी बात को कोई टालता नहीं था जो भी उन्होंने कह दिया वो सब मानते थे चाहे कोई बड़ा है परिवार में चाहे छोटा
लेकिन उनकी ऐसी छवि थी, ऐसा आदर सत्कार था परिवार में कि उन्होंने कभी किसी किसी को किसी के बारे में भी कम नहीं किसी को कहा, हर एक का ध्यान रखते थे परिवार में। और संस्कार ऐसे थे उनके, बरनाला से आके यहाँ परिवार अपना बिजनेस में एस्टेब्लिश हुए और व्यापार में भी उन्होंने बहुत तरक्की की, उनका व्यापार में बहुत नाम है बाहर भी लुधियाना में भी। और उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए, विजय जी, अशोक जी और ओम प्रकाश जी, आप इनसे बात करो, इतने हलीमी से बात करते हैं कि आपको पता चलेगा कि कितने ये इन कितने संस्कार इनको मिले हैं माता पिता से। तो ये परिवार जाना, तो देखो जो इस दुनिया में आता है, जैसे पंडित जी ने बताया, उसने एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना ही है। लेकिन जो अच्छे कार्य करके जाता है, जो अपना बिल्कुल सही ढंग से जीवन जी के जाता है, तो उसको हमेशा लोग याद करते हैं और वो अपने परिवार में संस्कार भी करके जाता है। तो ये देवराज गर्ग जी ने अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डाले हैं जो कि आजकल आज हमारे समाज में और हमारे व्यापारिक संस्थान में तो सभी जगह इनकी बहुत ही इज्जत है। तो बाकी देवराज जी हर साल वृंदावन जाना और लोहा मंडी में, बहुत सालों से मैं देख रहा हूं, हर साल उन्होंने गर्मियों में लंगर जरूर लगाना और लंगर में किसी का सहयोग नहीं, अपने तौर पे पूरा लंगर लगाना और भी कोई भी आ गया उनके पास, गरीब गुरबा आ गया तो सबकी मदद कर। सो ऐसी पुण्य आत्मा का हमारे समाज में हमेशा उनकी कमी हमें करती रहेगी। वैसे तो परिवार में माता पिता दोनों का ही पूरा योगदान होता है, तभी परिवार चलता है। किसी ने कहा है माँ घर का गौरव है, माँ घर का गौरव है तो पिता घर का अस्तित्व होते हैं, माँ घर का गौरव है तो पिता घर का अस्तित्व होते हैं, माँ के पास अश्रु धारा है तो पिता के पास संयम होता है, दोनों समय का भोजन माँ बनाती है तो जीवन भर भोजन की व्यवस्था करने वाले पिता को हम सहज ही भूल जाते हैं। कभी लगी जो ठोकर या चोट तो उसे तो वो माँ ही मुंह से निकलता है, लेकिन रास्ता पार करते समय कोई ट्रक पास आकर ब्रेक लगाए तो बाप रे यही मुंह से निकलता है, क्योंकि छोटे छोटे संकटों के लिए माँ है पर बड़े संकट आने पर पिता ही याद आते हैं। पिता एक वट वृक्ष है जिसकी शीतल छांव में संपूर्ण परिवार सुख से रहता है। सो ये परिवार, इनके बारे में सबको विधि भी है, इतना धार्मिक इतना अच्छा परिवार है। और आजकल के कलयुग में मैं समझता हूँ कि हजारों परिवारों में एक ऐसा परिवार बहुत कम ही देखने को मिलता है जिसमें बुजुर्गों की इज्जत, बुजुर्गों की सेवा जैसे कि इन बच्चों ने की है। तो ये एक मिसाल है, सबको इनसे बिल्कुल सीख लेनी चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे बुजुर्गों की सेवा कैसे की जाती है। तो आज के इस प्रार्थना सभा में हमें कुछ शोक प्रस्ताव आए हैं जिनको पूरा तो मैं पढ़ नहीं सकता, दर्शन की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है जिसमें दर्शन सिंगला जी की तरफ से आया है। अग्रवाल परिवार, शिवनारायण गुप्ता जी, प्रवीण बांसल जी, हरीश गोयल जी और रजनीश गोयल जी की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है। स्वामी अत्री जी, शांतिवन गौशाला संचालक शमशान भूमि ट्रस्ट नजदीक श्याम नगर बस स्टैंड, उनकी तरफ से भी शोक प्रस्ताव आया है। श्री रघुनाथ सेवादल अगर नगर की तरफ से भी शोक प्रस्ताव आया है। श्री शिव शक्ति मंदिर रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट न्यू पिछली नगर,
उनकी तरफ से, उनके चेयरमैन चमनलाल चैटर्जी जी की तरफ से भी शोक प्रस्ताव आया है। श्री नैना देवी सेवा सोसाइटी रजिस्टर्ड, जिनकी तरफ योगराज गोयल चेयरमैन, बलवीर शर्मा संचालक, राजकुमार गोयल जनरल सेक्रेटरी एवं समस्त सदस्यगण, उनकी तरफ से शोक प्रस्ताव आया है। ग्राम पंचायत कृष्णा नगर हमड़ा रोड, रवि गांधी जी, उनकी तरफ से भी शोक प्रस्ताव आया है। श्री नैना देवी वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड, उनकी तरफ से भी मनोज कुमार गुप्ता चेयरमैन, रमेश कुमार गोयल वाइस चेयरमैन, उनकी तरफ से भी शोक प्रस्ताव आया है। तो मैं परिवार की तरफ से इन सब को परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस दुख की घड़ी में परिवार के पास आकर उनका हौसला बढ़ाया है और अपना कीमती समय दिया है। तो मैं परिवार की तरफ से इन सब का धन्यवाद करता हूं। परिवार की तरफ से कुछ दान राशि निकाली गई है, जिनके मैं नाम बोलता हूं। अगर उनका कोई भी पदाधिकारी या सदस्य यहां मौजूद हो तो कृपया जाते हुए वो अपने दान राशि यहां से लेके जाए। गौशाला गौशाला बस स्टैंड, गौशाला कंत कैंड, गौशाला कैंड, गीता ज्योति मंदिर, गौशाला राम बापू आशाराम बापू, शिव मंदिर शिमलापुर। तो इनका कोई भी पदाधिकारी यहाँ हो कृपया यहाँ से वो अपना दान राशि लेके जा सकता है। तो अभी सबसे भी शोक प्रस्ताव आया है, दान राशि नारायण सेवा संस्थान को भी परिवार की तरफ से दी जा रही है। अब पंडित पाला राम जी वो कुछ समय के लिए श्रद्धांजलि भेंट करेंगे और परिवार की तरफ से एक बेनती है कि इस शोक सभा, इस प्रार्थना सभा के बाद जितने भी यहाँ भक्त आए, जितने भी सभी चाय का लंगर, चाय का प्रसाद अवश्य लेके जाएं। ये परिवार की तरफ से सब सबसे बेनती है। तो आज हम इस दुख की घड़ी में श्री लाला देवराज जी गरज, जो अपनी संसार की यात्रा पूरी करके भगवान के चरणों में लीन हुए हैं और ऐसा सुंदर जीवन उनका, मैं उनके साथ में 30-32 साल से जुड़ा हुआ हूं। कभी भी मैंने उनके जैसा कोई भी, मतलब जो इतनी सुंदरता के साथ वो हिसाब किताब मंदिर का उन्होंने जो संभाल के रखा है, हर महीने हिसाब करना, एक पैसे का भी उन्होंने कभी इधर उधर वो नहीं होना कहता, पाला राम जी मेरा मेरी जेब से कुछ चला जाए लेकिन मंदिर का कुछ हम मेरे पास ना है। और इतनी लगन रहती थी, सुबह 9 बजे मंदिर में आते थे और 1 घंटा उन्होंने जाप करना, राम नाम का जाप करने के बाद जो है वो अपने घर को जाते थे। और शरीर जो था उनका थोड़ा हेल्थी था, शरीर उनका इजाजत नहीं देता था, फिर भी वो इतने हठी और इतने हर्ष धर्मी थे कि जो उन्होंने मन में सोच लिया वो कार्य उन्होंने करना ही था। हमने श्री शिव शक्ति मंदिर शिमलापुरी गली नंबर 9 में धर्मशाला बनाई, धर्मशाला पर बहुत पैसा लगा और बड़ी हिम्मत के साथ हमने उनके साथ, मैंने बहुत साथ दिया और वो जब भी मतलब कहीं भी जाते थे कहते थे कि पाला राम जी फलाने पार्टी के पास फलाने के घर जाना है, वहां से चंदा इकट्ठा करके लाना है, उनको स्कूटर के ऊपर बैठाकर, वो स्कूटर पर भी मेरे पीछे बैठते थे, किसी और के पीछे स्कूटर पर भी नहीं बैठते थे, इतना विश्वास था उन्होंने कि भी पंडित जी ठीक चलाते हैं। तो इस करके जब हमने धर्मशाला तैयार होने लग रही थी, फर्श रह गया था, तकरीबन 1 लाख का खर्चा था उस पर
और हमारे सभी पैसे जो हमने इकट्ठे किए थे उस पर लग चुके थे। बड़ी मंदिर में आते चिंता करते यही बात कि पंडित जी अब क्या होगा कैसे करें। तो मैं एक दिन उनके पास डॉक्टर मनोज के पास ले गया। पहली बार उनके घर गए थे हम उस परिवार ने में। उन्होंने कहा कि कितने पैसे लगते हैं, तो लाला जी ने कहा कि 1,00,000 का खर्चा आएगा अंदाजा। कह रहे मेरी तरफ से, उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से ये फर्ज का जो आपका खर्चा है वो मेरा होगा। उस दिन से वो परिवार भी आज तक हमारे मंदिर में बहुत ही सहयोग करता है, बहुत ही सहायता करता है। और तो लाला जी के जीवन के बारे में इतना सुंदर उन्होंने जीवन अपना व्यतीत किया है तो जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। कितनी देर बोलते रहे तो वो वर्णन नहीं कर सकते अपने मुख से, क्योंकि ऐसा सुंदर वो क्रोध में गुस्से में भी आते थे। अगले मैंने कभी उनके सामने कभी गुस्सा प्रकट नहीं किया, लेकिन अगले दिन अपने आप उन्होंने कह देना कि बालाराम ऐसे कोई गुस्सा नहीं करना है। इस प्रकार से यानी कि उनका भाव ऐसा था कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। और देखो इतना भाव ऐसा था उनका, मेरे ख्याल 150 जीवों का परिवार होगा, 150 जीवों को इकट्ठा करके रखना, उनको शाम के बोझ के रखना बहुत महत्ता की बात है, बहुत ही सोच बोझ की बात है। ऐसी महान आत्मा और आज के युग में कहा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी सुंदर जीवात्मा इन्होंने अपना जीवन जो है बहुत ही सुंदर भगवान के अर्पित मंदिर में मत्था टेकने आते थे सारे ही परिवार की। अपने आजकल कोई एक भाई दूसरे भाई को देख के राजी नहीं है। अगर एक भाई भूखा मरता है तो दूसरा आज कहेगा नहीं तुम ही ले रहे नहीं, लेकिन उन्होंने अपने जितने भी उनके भाइयों के बच्चे उनकी भी चिंता, उससे आगे की भी चिंता, उससे आगे की भी चिंता, इतनी चिंता करते थे सबकी वो, और सबको एकजुट रखने में बहुत ही उनका जो है योगदान रहा है। सारे परिवार को उन्होंने इतना संस्कार, इतना बढ़िया संस्कार दिया है कि वो आज के जमाने में नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार तो ये मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ आज इस गरीब परिवार को विजय जी, श्री ओम प्रकाश जी और श्री अशोक जी को, इस परिवार को जो झटका लगा है, जो ये बुरी बढ़ती है, भगवान इससे उबरने के लिए इनको ताकत दे। और आप सारी संगत ने इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ एकजुटता दिखाई और कंधे से कंधा लगाया, तो आपने बता दिया है कि भई आप अकेले नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। जो हो गया उसको कोई मौत की कोई दवा नहीं है। अगर मौत की दवा होती तो बड़े बड़े राजे महाराजे वो ऐसे नहीं जाते, वो मौत की दवा ढूंढ लेते, लेकिन इसकी कोई दवा नहीं है। तो इसलिए कहने का भाव है आपने सारी संगत ने इस परिवार दुखी घड़ी में इस परिवार का साथ दिया है, और मैं घरवालों की तरफ से सारी संगत का धन्यवाद करता हूँ। और इस आपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करके इस महान आत्मा को चरणों में, भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके और इनके निमित्त अपने आत्मिक शांति की जो प्रार्थना की है वो उसका भी धन्यवाद। और साचे दरबार की अब आप तीनों भाई बैठ जाइए। आप सभी लोग मेरे साथ आरती बोलेंगे और पंडित जी तो मैं भी न डूजा
जिन्होंने भोजन नहीं लिया वो भोजन का प्रसाद अवश्य लेते।